यहाँ पे मौजूद हमारे ज्येष्ठ नेता, पार्टी के संगठन के महासचिव वेणुगोपाल जी, राज्यसभा के हमारे नेता और हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन खड़गे साहब, मंच पे विराजमान सभी ज्येष्ठ नेता, सांसद, हमारे हर प्रदेश से आए हुए सभी नेता, सामने बैठे हुए सभी प्रदेशों से आए हुए हमारी बहनें भाई और सभी प्रेस वाले हमारे भाई और बहन, यहाँ पे बोला गया कि एक सांसद के रूप में मैं आपको संबोधित करूँगी, लेकिन नहीं, मैं आपको सांसद के रूप में नहीं लेकिन एक कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में संबोधित करूँगी। आपके जैसे मेरे भी धमनियों में कांग्रेस का खून बहता है। और थोड़ा सा इतिहास में झांक के मैं बताना चाहूंगी कि जिस 37 की बात सुरजेवाला जी बोल रहे हैं, 1937 जब AGL का जन्म हुआ था, तब मेरे पिताजी का सबसे ज्यादा वोटों से महाराष्ट्र से चुन के आए थे आत्माराम पाटिल, तब ये राजनीति हमारी कांग्रेस पार्टी की शुरू हुई। उस परिवार से मैं जन्म लेती हूँ। गदर मूवमेंट से मैंने दानाजी को फांसी पर चढ़ा दिया था। इस परिवार का इसलिए इतिहास बना रही हूँ कि इस तरह से कांग्रेस से हम हर कोई जुड़ गए हैं। कांग्रेस परिवार का और हमारा एक अटूट नाता हमारा बन गया है, और इसलिए हम वो खींच के हमें यहाँ लाता है, खींच के हमें इस परिवार को और इस गांधी परिवार को इससे जुड़ाता है। मुझे एक बात का बहुत गम भी होता है, खुशी भी होती है कि जिस तरह से हमारा नेता राहुल गांधी लड़ रहे हैं, उस लड़ाई में हर कोई, हर गांव से, हर जिले से, हर पंचायत से, हर कोई राहुल जी से जुड़ के सड़क पे सामने पे लड़ने रहा है। मैंने कल ही किसी को बोला कि मुझे लगा नहीं था कि इस तरह से कांग्रेस पार्टी इलेक्ट्रिफाई हो जाएगी। कारण राहुल जी के ईडी का हो, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस इलेक्ट्रिफाई हो गई और सड़क पे आ गई, मुझे लगता है कि इसका सबसे ज्यादा शॉक बीजेपी को लगा है। बीजेपी को नहीं पता था कि जिस तरह से एक नेता को एक ईडी के इंक्वायरी के सामने जब जाने के लिए मजबूर किया और सब कांग्रेस के कार्यकर्ता जागरूक हो गए, मुझे लगता है कि ये लिटमस टेस्ट है कि कांग्रेस कितनी जागरूक है, ये उनको पता चला है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये तब भगत सिंह ने बोला था और पूरा देश जाग गया था, वैसी स्थिति आज की तारीख में हमारी हो गई है। कांग्रेस जिंदा है, बहुत बहुत जिंदा है, और उसको जागरूक करने का काम हमारे नेता राहुल गांधी जी ने किया है और वो हमें आगे बढ़ाना है। अग्निपथ के रूप से हमें एक बहुत बड़ा झांसा उन्होंने दिया है। अग्निपथ क्या है? जो हमारी परंपरा थी, जो हमारा इस देश का अभिमान था, मैं आपको बताना चाहूंगी कि महाराष्ट्र मेरा स्टेट इस देश में 3 नंबर से है जो इस देश में फौज के रूप में यहाँ भर्ती होता है। देश में फौजियों का भर्ती होने में हमारा 3 नंबर पे स्थान है। हम बहुत सम्मान से और आदर से बोलते थे कि अरे मेरे परिवार में इतने इतने फौजी हैं। जिस प्रदेश की मैं प्रभारी हूँ, जम्मू कश्मीर की, वहाँ पे कठुआ हो, हमारे यहाँ अरेसपुरा हो, हमारे यहाँ जो जो भी स्टेट बॉर्डर रखकर लग के है, सभी गाँव में से तीन चार बच्चे फौज में भर्ती है। वैसे स्टेट महाराष्ट्र में भी है, लेकिन जहाँ पे भी हमारे भर्ती होने वाले लोग हैं, वहाँ पे लोग, गांव के लोग बोलते हैं अरे मेरे गांव के इतने इतने बच्चे फौजी हैं। वो उनको अभी फौजी नहीं बोलेंगे, उनको बोलेंगे अग्निवीर है। वो अग्निवीर उनको पता ही नहीं चलेगा, चार साल तक अग्निवीर, 4 साल के बाद में वो अग्निवीर कहाँ जाएंगे उनको पता नहीं चलेगा। मुझे लगता है ये बहुत बड़ा धोखा हमारे साथ ये मोदी सरकार ने किया है। पहले धोखा उन्होंने शुरू किया, हमें बताया गया 15 लाख रुपए का झांसा, वो उन्होंने दे दिया। हमारे नेता राहुल जी ने तब से शुरू किया था और पहले दिन से हमें सतर्क करते आए हैं। उन्होंने बोला था कि झूठ बोल रहे, और एक ही हमारा नेता था, वो हमेशा हमें सतर्क करता रहा है, चाहे कोरोना का हो, आज कोरोना का महामारी हो, चाहे उन्होंने हमारा जमीन अधिग्रहण का कायदा कानून था, जमीन अधिग्रहण का कानून था उसके लिए भी राहुल जी ने जब आंदोलन किया तो ही उसको उन्होंने पीछे लेना पड़ा, मोदी जी को वो पीछे लेना पड़ा। उसके बाद में
वो काला कानून जो किसानों के लिए लाया वो भी उनको पीछे लेना पड़ा। और मैं आपको डंके की चोट पे बोलती हूँ कि ये अग्निपथ भी उनको पीछे लेना पड़ेगा, मोदी जी को पीछे लेना पड़ेगा। और ये मैं आपको पत्थर की लकीर है कि उनको पीछे लेना पड़ेगा, लेकर रहेंगे वो, क्योंकि ये चलेगा नहीं, इस देश की जनता ये चलने नहीं देगी। ये मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये जो अग्निपथ है वो हमारे लिए अग्निपथ नहीं है, वो हमारे लिए बहुत बड़ी बुरी बात है, क्योंकि हमारे जनता के, हमारे युवाओं के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ इन लोगों ने किया है। यही मैं बताना चाहती हूँ, ये जिस तरह से हमारे भावनाओं के साथ ये लोग खेल रहे हैं, मुझे लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें सबको रास्ते पे आना पड़ेगा। और हमारे नेता राहुल गांधी जी और उनके साथ हम सब डट के खड़े हैं। आज 10-12 दिन हो गए, हम हर रोज़ उनके साथ लड़ाई कर रहे हैं। आज उनके लड़ाई के लिए सब लोग रास्ते पे उतरे हैं। मुझे लगता है कि जिस तरह से ये लड़ाई हम कर रहे हैं, आखिरी सांस तक ये लड़ाई हम करते रहेंगे और लड़ते रहेंगे, और उसमें हम सक्सेसफुल रहेंगे, हम यशस्वी रहेंगे। इतना ही कह के मैं आपकी बात को विराम करती हूँ।